निगम में महापौर और सभापति पद के लिए होने वाले निर्वाचन को बीजेपी ने अवैधानिक करार दिया है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने राजेश मूणत के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव रद्द करने की मांग की है। और खास बातचीत के आशीष तिवारी ने पार और सभापति अध्यक्ष के चुनाव को अवैध करार दिया। बीजेपी का मान जो है और दो पूर्व मंत्री हैं यहाँ पर इस धरने पर बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप लोग धरना दे रहे हैं, पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, चुनाव को अवैधानिक करार दिया है आपने, क्या कहना है निर्वाचन आयोग का? निर्वाचन आयोग का कहना है कि कलेक्टर से हमने जवाब मांगा है, उनके जवाब की हम समीक्षा कर रहे हैं और हम नियम कानूनों का सलाह ले रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि आप उस प्रक्रिया को स्थगित कर दें, अन्यथा यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से स्थगित होगी तो पूरे चुनाव दूषित हो गया है और पूरे देश में बदनामी होगी। उन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार करता हूं, हमने उनको कहा कि आप विचार नहीं करते हैं तो हम न्यायालय में जाएंगे और आपके कार्यालय के सामने हम धरना दे रहे हैं। तो क्या प्रक्रिया तो चल रही है, क्या बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी महापौर अध्यक्ष? हम पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो हम पूरी प्रक्रिया में भाग लेंगे, परंतु हम लड़ाई भी लड़ेंगे कि जो कानून के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है शासन के प्रशासन के दबाव में और इतना लाचार चुनाव आयोग हो रहा है, ये हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। वक्त नहीं रह गया है, क्या कैंडिडेट के नाम पर सहमति बीजेपी ने बना ली है? बिल्कुल बना ली है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा। हमारी लड़ाई इस बात की है कि पूरे देश के अंदर चुनाव आचार संहिता और उसका पालन नहीं करना, चुनाव के नियमों का पालन नहीं करना। राजनंद गांव में चुनाव होता है महापौर अध्यक्ष का एक साथ, बिलासपुर में चुनाव होता है अध्यक्ष महापौर का एक साथ, रायपुर में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण दोनों चुनाव अलग अलग कराना पड़ रहा। जब देश का चुनाव का रिजल्ट एक आता है, अगर पांच प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उन सब चुनाव संपन्न होने के बाद में रिजल्ट आउट होता है। ये रायपुर में पहले महापौर का रिजल्ट आउट करेंगे, उसके बाद सभापति। इसका स्पष्ट है कि खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि महापौर का निर्वाचन आज होगा और ऐसी सूरत में बीजेपी अपना भी उम्मीदवार खड़ा करेगी, साथ ही साथ यदि निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो बीजेपी की दलील है कि इसे बीजेपी कोर्ट में चुनौती देगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।